फ्रेंड्स, इस दिवाली को राजवीर चौधरी को आरू बहुत ज़्यादा याद करी। जी हाँ दोस्तों, आरू अब समझने लगी है बहुत कुछ। राजवीर चौधरी की बड़ी बेटी, मतलब जो सूरज चौधरी की, उनकी बेटी को राजवीर चौधरी ने एक्सेप्ट करके अपने पापा जैसा ही उनको प्यार दिया था। और राजवीर चौधरी चाहते थे कि बच्चे उनके सामने बड़े हो, बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, पर ऐसा उनकी इच्छा पूरी ना हो सकी। उसके पहले ही उनके साथ दुर्घटना हो गया। पर इस दिवाली को देखने को मिला कि एक बेटी के जीवन में उसके बाप का कितना महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, हम हर किसी को अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, मरते दम तक कदर करनी चाहिए, क्योंकि पैसा वगैरह कुछ भी आ जाता है, पर वो माँ बाप जो होते हैं ना, उनका एक अलग ही स्थान होता है हमारी ज़िंदगी में। हालांकि माँ तो माँ होती है, माँ भी बच्चे के लिए जितनी ज़रूरी होती है, एक पिता का प्यार, एक पिता की छाया भी उससे ज़्यादा ज़रूरत होता है। क्योंकि जैसे मकान एक नींव पर खड़ा होता है, वैसा ही पिताजी जो पिता रहते हैं वो एक लड़की के जीवन में, लड़की हो या लड़का, बच्चों के जीवन में एक नींव का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिवाली का टाइम सपना जब छत पे आई और पटाखे वगैरह फूट रहे थे, तो जो आरू उनकी बड़ी बेटी है बहुत ज़्यादा उदास थी। मतलब बेचारी ना रो रही थी ना कुछ कर रही थी, वो अंशु की गोदी में थी और वो बहुत ज़्यादा उदासी के मन में वो ऐसा कह रही थी कि मतलब मुझे पटाखे चाहिए, मुझे पटाखे दिला दो। तो सपना बहुत ज़्यादा टूट रही थी अंदर से, बट ऑन कैमरा वो ना रो पा रही थी ना कुछ कुछ। हालांकि दोस्तों, अंशु ने आरू को अपनी गोदी में लिया, उन्होंने मौके को संभालते हुए, परिस्थिति को संभालते हुए आरू को समझाने लग गई कि बेटा अगले साल हम तेरे लिए पटाखे लेके आएंगे। बट आरू मानने को तैयार नहीं थी। कहीं ना कहीं आरू को पुराने दिन याद आ रहे थे। शायद पिछले साल इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेशन किया था, जैसा कि हम सब जानते हैं। और राजवीर चौधरी बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चे टाइप के थे, मतलब जैसे उनका जो स्वभाव था ना, एक मजाकिया टाइप का था। वो अपने वाइफ के साथ भी मजाक करते थे, अपनी मम्मी के साथ भी मजाक करते थे, बच्चों के साथ भी छोटे बच्चे जैसा मजाक करते थे। वो चले जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा